नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। अब पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर में बड़े फेरबदल किए गए हैं, नए अधीक्षक बनाए गए हैं। आपको बताएं कि पटना के महावीर मंदिर में पहली बार अधीक्षक की नियुक्ति की गई है। जो अधीक्षक जिन्हें बनाया गया है उनका नाम सुंदर राजन है और उनके पास महावीर मंदिर के अलावा आपको बताया कि महावीर संस्थान के अस्पताल लोग की भी जिम्मेदारी दी गई है। तो चलिए आपको बताते हैं कि उन्हें क्या क्या जिम्मेदारी दी गई है और सुंदर राजन आखिर हैं कौन, कहां से आते हैं और इनके माथे महावीर संस्थान की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। राजन मूलतः तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के निवासी हैं। 3 दशकों तक प्रबंधकीय कार्यों का अनुभव रखने वाले सुंदर राजन 8 वर्षों तक विदेशों में भी कार्य कर चुके हैं। महावीर मंदिर एवं इसके अधीनस्थ संस्थानों के कार्य का पर्यवेक्षण इनके ही जिम्मे होगा। महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने बताया कि महावीर मंदिर में पहली बार मंदिर अधीक्षक की नियुक्ति की गई है। महावीर मंदिर न्यास द्वारा मंदिर अधीक्षक का पद सृजित किया गया। इसके बाद मंदिर के वेबसाइट पर विज्ञापन निकाला गया था, कई लोगों ने इसके लिए आवेदन किया था, लेकिन इसमें ये सब से योग्य वी सुंदर राजन को महावीर मंदिर न्यास की बैठक में महावीर मंदिर का मंदिर अधीक्षक नियुक्त किया गया। प्रबंधन क्षेत्र में लंबे अनुभव और योग्यता को देखते हुए उनका चयन किया गया है। कांची कामकोठी पीठ के शंकराचार्य ने भी इनकी योग्यता आदि के संबंध में जानकारी दी थी। आचार्य किशोर कुणाल ने बताया कि महावीर मंदिर में भक्तों की बढ़ती संख्या के साथ मंदिर न्यास से जुड़े अस्पतालों के विस्तार एवं विराट रामायण मंदिर, जानकी जन्मस्थान मंदिर जैसे विशाल मंदिरों का निर्माण प्रारंभ होने की स्थिति में समन्वय एवं पर्यवेक्षण के लिए मंदिर अधीक्षक की आवश्यकता महसूस की गई। देश के बड़े मंदिर में भी टेम्पल सुपरिटेंडेंट की व्यवस्था है। अपने प्रभार के पहले दिन भी सुंदर राजन ने अपने प्रभार के पहले दिन भी सुंदर राजन ने महावीर मंदिर के कार्यकलाप, पूजा पाठ की व्यवस्था, भक्तों के धार्मिक अनुष्ठान आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त की। महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने मंदिर कार्यालय में मंदिर से जुड़े पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों से उनका परिचय कराया। इस बैठक में महावीर मंदिर और मंदिर न्यास द्वारा संचालित विभिन्न अस्पतालों एवं संबंध अन्य मंदिरों के बारे में भी समग्र रूप से चर्चा हुई। तो आपको बताया कि पटना हनुमान मंदिर में पहली बार अधीक्षक की नियुक्ति कर दी गई है। महावीर मंदिर के पहले अधीक्षक वी सुंदर राजन को बनाया गया है। मंदिर के साथ साथ महावीर संस्थान के अस्पतालों के साथ समन्वय एवं पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी भी नव नियुक्त मंदिर अधीक्षक वी सुंदर राजन ने संभाला है। तो देखिए, महावीर मंदिर में बढ़ते भक्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए महावीर मंदिर के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने ये फैसला लिया कि महावीर मंदिर को अब अधीक्षक की ज़रूरत है और इसके लिए ऑनलाइन जो है आवेदन भी स्वीकार किया गया और इसमें तमिलनाडु के सुंदर राजन के जो आवेदन है उसे एक्सेप्ट किया गया और अब महावीर मंदिर में पहली बार अधीक्षक की नियुक्ति की गई है और ये अधीक्षक जो है सुंदर राजन को बनाया गया है। तो चलिए, इस खबर में इतना ही। और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।